विश्वकर्मा जो ये झांकियां आपने स्वरूप देखा है यहाँ पे विश्वकर्मा डे जो बड़ी धूमधाम से, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जम्मू सूबा में सबसे धूमधाम से अगर कहीं पे विश्वकर्मा डे को मनाया जाता है तो वो ये स्थली माता की वैष्णो देवी की कटरा है, यहाँ पे मनाया जाता है। मैं सबसे पहले तो यहाँ इनकी टीम जो है खास तौर पे ये जो हमारे कुन के सरपंच है जुगल जी, इनके नेतृत्व में जो टीम है, इनको तो हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरे नंबर पे उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये झांकियां जो आपने देखी है चार की चार, ये सारे के सारे कलाकार जो लोकल यहाँ से अपने मतलब के यहाँ पे है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे अगर मैं आपको कहूँ तो मुझे सुख का अनुभव क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि मैं जब पहले विधानसभा का मेंबर था तो मेरे विधानसभा मेंबर होते हुए ये झांकी शुरू की थी जुगल जी ने, और मैं आज इसका हिस्सा बनाऊँ। मुझे लग रहा है कि 12-13 साल हो गए कि ये झांकियों का सिलसिला जारी रहा है। मैं एक बार फिर अपने श्रमिक बंधुओं को विश्वकर्मा पे, और मैं बीच में आज सुबह मेरे साथी चाय पे बैठे थे तो विश्वकर्मा डे के महत्व को समझ रहे थे, तो उसमें मेरे साथी बता रहे थे कि विश्वकर्मा डे का मतलब ये है कि वो विश्वकर्मा जिन्होंने लंका बनाई थी, वो विश्वकर्मा जिन्होंने लंका का निर्माण किया था, ये इस श्रेणी में आते हैं। और उसके आगे अगर प्रसंग अगर मैं आपको बताऊं तो वो प्रसंग ये था, ये जो विश्वकर्मा डे की महत्व को समझते हुए जैसे शिवजी महाराज की झांकी निकली है ना, असल में अगर हम अपना पुराना इतिहास देखें तो उसमें ये है कि वो लंका जो बनी थी वो शिवजी महाराज के लिए, अपनी उनकी पार्वती के लिए बनी थी, और बनने के बाद वो बाद में दान दे दी गई थी। वो एक बहुत बड़ा प्रसंग है। मैं आज दिल की गहराइयों से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ये जो सेलिब्रेशन करते हैं, ये विश्वकर्मा का डे बनाते हैं और बड़ी धूमधाम से बनाते हैं, इसमें आप सब बंधुओं को, सब श्रमिकों को और टोली को, मैं सबसे पहले तो अपनी गरीब जनता को, मजदूरों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विधानसभा का, श्री माता वैष्णो देवी का विधायक बनने के बाद मैं विधायक सबका बन गया, और सबका बनने के बाद जिन्होंने वोट दिया उनका भी बन गया, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी बन गया। और मैं उन सबके लिए जो अपने से हो सकता है, खासतौर पर गरीब जनता, जो मोदी जी की सरकार की हमारी नीति है कि गरीब तक पहुंचने की बात है, चाहे वो स्कीमों के तहत हो तो गरीब तक सरकार पहुंचेगी। और आपने देखा भी है उस बात को कि सरकार जो सेंट्रल सरकार की नीतियां हैं वो गरीब तक पहुंची हैं, और मेरा भी दृढ़ संकल्प रहेगा कि गरीब मजदूर यहां पे जो काम करने के लिए वैष्णो देवी में यहां यात्रा में लोग लगे हुए हैं उनका ध्यान रखा जाए, उनके रोजगार को आगे बढ़ाए। रिस्पेक्ट इसमें देखना पड़ेंगे, ये जो सारी चीजें हो रही है ना, ये एक लंबा प्रोसेस है 10 साल के लिए। यहाँ पे एनजीटी का आपको एक पुराना मैं याद करवाऊं तो 10 साल पहले एक बीमारी यहाँ पे मयूल की वजह से आ गई थी। एनजीटी ने पूरे हिंदुस्तान में उस बात को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे जो सारी चीजें हुई थी, ये जो प्रक्रिया का हिस्सा है ये एक सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक, एफिडेविट के मुताबिक हुआ था। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जमाना कहाँ था, जमाना ये था कि लोग लोगों को ढोलते थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, इंसान इंसान को ढोलता था बग्गी के जरिए, वो खत्म हो गया। रिक्शा चलता था वो खत्म हो गया, टांगा चलता था वो खत्म हो गया। हम आगे तरक्की की तरफ जा रहे हैं। मैं अगर पांडी हूं, मैं अगर मजदूर हूं, मैं अगर घोड़े वाला हूं, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा घोड़ा चलाए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि घोड़े वाले का घोड़ा छुड़ाना होगा हमें, उनके लिए नए रास्ते ढूंढ रहे होंगे, उनकी डेवलपमेंट के लिए नए रास्ते ढूंढने होंगे, और ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस के तहत गंडोला लग रहा है। और मैं आपको कहना चाहता हूं आने वाले वक्त में गंडोला जो है इससे कोई ज्यादा प्रभाव होने वाला नहीं है, मगर जिन लोगों की हमें चिंता है कि जिनका रोजगार चलेगा, उनको रोजगार को ठीक करने के लिए नए जमाने में जाने के बाद हाईकमान का जो स्टैंड है वही मेरा स्टैंड है। सबसे बड़ी बात तो यही ऐसी बात के लिए है कि टारगेट किलिंग को कहीं पे भी कोई मतलब के इसको कहें कि ढील होगी, वो कभी नहीं होगी। और खास तौर पे अब तो कहने की ये बात है, नई चुनी हुई सरकार का भी देता बन जाता है और सेंट्रल सरकार का भी बन जाता है, बड़े मतलब ये एक बुखार का कारण है जो किलिंग्स हो रही है, इस पे अंकुश लगेगा और बड़े